इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध खनन को लेकर के एक अहम बैठक जारी है। आपको बता दें कि अहम फैसला इस बैठक से सामने आया है। अवैध खनन को लेकर के खनिज परिवहन वाहनों पर लगाया जाएगा जीपीएस सिस्टम। बड़ी अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध खनन होता है, जीपीएस होने पर ही परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन अब वाहनों का कर पाएगा। हर वाहन पर जीपीएस होगा। ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए खनन निदेशालय गठित एक सेल भी करेगा। एक पूरी बाकायदा टीम होगी। अवैध खनिज परिवहन पर वसूला जाएगा 1,00,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना। एनजीटी के आदेशों के तहत वसूला जाएगा ये जुर्माना। सेल इसके लिए गठित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अवैध बजरी खनन रोकने के लिए होमगार्ड्स भी तैनात किए जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में अवैध बजरी खनन का जो कारोबार है वो लगातार जारी रहता है, लेकिन प्रदेश सरकार के निगरानी में और नजर में कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमेशा से रहा। बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर खनिज परिवहन वाहनों पर जीपीएस सिस्टम अब लगाया जाएगा। जीपीएस का सिस्टम होने से वो ट्रैक कर पाएंगे और जीपीएस होने के बाद ही उन वाहनों को खनिज परिवहन के लिए रजिस्टर्ड पहले किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में भी एक सेल गठित किया जाएगा, जो कि पूरी निगरानी उस पर रखेगी। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, बड़ा फैसला सामने आया है, क्योंकि अवैध परिवहन जो है कहीं ना कहीं सरकार की नजर में हमेशा से बना हुआ है। जीपीएस जब लगेगा किसी भी वाहन पे तो ज्यादा सतर्क वो हो जाएगा। किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहेगी? जी देखिए, बिल्कुल, अवैध खनन का मामला है लगातार जारी है। बजरी अवैध खनन से जो कई अन्य जो खनन है उसको लेकर अब परिवहन विभाग और खनिज विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। खनिज परिवहन वाहनों पर अब जीपीएस सिस्टम है वो लगाया जाएगा। जीपीएस पर होने वाले जो परिवहन को रजिस्ट्रेशन है वो भी परिवहन विभाग जारी करेगा। ऐसे में जो निगरानी है खनन विभाग निर्देशालय के लिए, वो उसको खनन जो निर्देशालय वो एक सेल गठित करेगा जो इन वाहनों की जो निगरानी वो करेगा। हालांकि जो जीपीएस सिस्टम है वो परिवहन विभाग की ओर से इन पर लगाया जाएगा, ताकि किसी तरह की जो अवैध खनन है उस पर रोक लगाया जाए। अवैध खनन को लेकर जो परिवहन पर जो वसूला जाने वाला 1,00,000 रुपए का जो जुर्माना है वो भी इसमें रहेगा। इनकी जो अवैध खनिज है वो ले जाया जाएगा अगर किसी वाहनों पर, तो उस पर जो जुर्माना है वो भी वसूला जाएगा। सच्चा जो एनजीटी की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उनके तहत ही जो जुर्माना है वो वसूलने की प्रक्रिया है वो रहेगी। साथ साथ जो बजरी जो अवैध खनन को रोकने के लिए जो होमगार्ड है वो भी तैनात किए गए हैं। मुख्य रूप से राजस्थान में विशेष तौर से जो अवैध खनन होता है वो होता है बजरी का, और उसी अवैध खनन को रोकने के लिए जो खनिज निदेशालय और परिवहन विभाग ने ये कदम है वो उठाया है, जिसमें जीपीएस के जरिए इन खनिज के जो परिवहन में काम लेने वाले साधन है उनकी निगरानी की जाएगी। निगरानी के लिए जो खनिज निदेशालय है, खनन निदेशालय, वो इस पर जो एक सेल गठित करेगा और वो ही पूरी निगरानी वो करेगा। साथ साथ जो जुर्माना है वो एनजीटी के निर्देशों के तहत होगा, ताकि किसी तरह की जो उसमें गफलत या फिर भ्रष्टाचार का काम है वो नहीं हो। और इसी के साथ जो बजरी के लिए जो जिस तरह से जो अवैध खनन हो रहा है वहां पर निगरानी के लिए जो होमगार्ड है उनका जो सहयोग है वो दिया जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग और खनिज विभाग खनन विभाग निदेशालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें गृह विभाग होमगार्ड है वो उनको कहाँ कहाँ होमगार्ड तैनात करने हैं और उसको इस तरह से जो अवैध खनन है उस पर निगरानी की जाएगी। और जी लोकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।